सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से कुछ ऐसे टॉप 500 ऐप्स दिखाने वाला हूँ जिन्हें मैंने प्ले स्टोर से खुद ढूंढ के निकाला है। और इन ऐप की हेल्प से आप अपने वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल्स के लेवल को ट्रेस कर सकते हो या अपने एंड्रॉयड डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, मेटल्स, अलग अलग डिवाइसेस का पता लगा सकते हो या और भी बहुत कुछ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शुरू से लेकर एंड तक देखना, और वीडियो में जो भी एंड्रॉयड ऐप्स के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो कि प्ले स्टोर में आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि वाकई में वीडियो या ऐप्स कैसे थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट ऐप है वो है वाईफाई AR। दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल ऐप है उनके लिए जिनका वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क ड्रॉप होता है। इस ऐप की हेल्प से आप अपने वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल्स के लेवल को ट्रेस करके पता लगा सकते हो कि आपके वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल कितना स्ट्रांग है किस लोकेशन पे। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपके नेटवर्क का पिंग कितना है, डिटेक्ट कर सकते हो कि घर के कौन से कोने में बैठे रहोगे तो कितना इंटरनेट डाउनलोड स्पीड आपको मिलेगा। वाईफाई या ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है सिग्नल्स के लेवल को डिजिटली लाइव कैमरा पे शो करने के लिए। तो अगर आपका वाईफाई या मोबाइल का नेटवर्क वीक है तो ये एंड्रॉयड ऐप ज़रूर से इंस्टॉल करें। बढ़ते हैं हमारे दूसरे एंड्रॉयड ऐप की तरफ जिसका नाम है अल्टीमेट EMF डिटेक्टर। ये बहुत ही यूज़फुल है और इस एंड्रॉयड ऐप से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, मेटल्स या दूसरे स्मार्टफोन या किसी भी दूसरे डिवाइसेस को डिटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, माना जाता है कि EMF डिटेक्टर नेगेटिव एनर्जीज को भी डिटेक्ट करता है। जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा ही होगा कि काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स EMF डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि EMF डिटेक्टर दिखता कुछ ऐसा है, लेकिन ये फंक्शन हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में भी अवेलेबल है जो आप प्ले स्टोर में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को ओपन करते ही आपको चार अलग अलग थीम्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे तीसरे एंड्रॉयड ऐप की तरफ जिसका नाम है गूगल मेजर। ये एंड्रॉयड ऐप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इसके हेल्प से आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट अपने फ़ोन के कैमरा से कर सकते हो। इस ऐप को ओपन करते ही आपके फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाता है चीज़ों को स्कैन करते हुए, जिससे कि आपके फ़ोन के स्क्रीन पर ढेर सारे डॉट्स दिखाई देंगे। गूगल मेजर ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए। ऑब्जेक्ट की एक एंड पे मार्क करने के बाद आपको अपने फ़ोन को उसी डायरेक्शन में जेंटली मूव करना है जहाँ तक आप मेजर करना चाहते हैं, और दूसरा पॉइंट मार्क करते आपको उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट मिल जाएगी। आप चाहे तो मल्टीपल पॉइंट्स कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल एरिया फाइंड करना है। तो इसमें आपको मेजरमेंट सेव करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। आपको बस बाजू में दिए हुए कैमरा आइकन पर क्लिक करना है जिससे कि मेजरमेंट का फोटो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा और उसे आप अपने ऑफिस फ्रेंड्स, फैमिली या किसी को भी शेयर कर सकते हो। बहुत ही प्रोडक्टिव और यूजफुल एंड्रॉयड ऐप है और आपको एक रफ आइडिया दे देगा किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। आते हैं हमारे फोर्थ एंड्रॉयड ऐप की तरफ जिसका नाम है Me.Click। अगर आप कोई गेम खेलते हो जिसमें आपको बार बार टैप करना पड़ता है तो ये एंड्रॉयड ऐप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, ये एक ऑटो क्लिकर ऐप है जो ऑटोमेटिकली टारगेट सेट करने के बाद टैप करते रहेगा जब तक आप इसे पॉज नहीं करोगे। ऐप को ओपन करते ही आपको इसमें एक सिंपल सा टोगल बटन मिल जाता है ऐप को ऑन करने के लिए। सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप पॉइंटर का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। इस एंड्रॉयड ऐप को यूज़ करना बहुत ही आसान है। गेम ओपन करने से पहले आपको ऑटो क्लिकर ऑन करना होगा, फिर आपको गेम पे जाना है और पॉइंटर को ड्रैग करना है वहाँ पे जहाँ पे आपको क्लिक करना है। पॉइंटर पे क्लिक करके आप क्लिक ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो कि ऑटो क्लिक कितने सेकंड में होना चाहिए, और बस आपको प्ले बटन प्रेस करना है ऑटो क्लिक करने के लिए। इसमें आपको मल्टी क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप 2, 3, 4 या 50 पॉइंटर्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे दिए गए गियर आइकन पे प्रेस करोगे तो आपको टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है जिसे सेट करके आप ऑटो क्लिकर को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर सकते हो दिए गए टाइम पे। बहुत यूज़फुल एंड्रॉयड ऐप है और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप कोई गेम खेलते हो जिसमें आपको बार बार क्लिक करना पड़ता है तो ये एंड्रॉयड ऐप आपको ज़रूर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए। और हमारा लास्ट एंड्रॉयड ऐप है वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, जो है MP3 वीडियो कन्वर्टर। इस एंड्रॉयड ऐप की मदद से आप किसी भी वीडियो के ऑडियो को MP3 में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हो बिना कंप्यूटर के। ऐप को ओपन करते ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट बटन मिल जाता है जिसे टच करने पे आप किसी भी वीडियो को सेलेक्ट करना होगा जिसे आप MP3 में सेव करना चाहते हो। अब यहाँ पे ऑडियो टाइप चेंज करके MP3 करना है, ऑडियो बिटरेट हाई पे सेट करना है, और इन्फॉर्मेशन पे प्रेस करके चाहे तो मेटा डेटा इनपुट कर सकते हो जैसे कि टाइटल, आर्टिस्ट नेम और एल्बम। अब बस आपको कन्वर्ट पे क्लिक करना है और आपका वीडियो MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
कन्वर्टेड MP3 को आप गूगल प्ले म्यूजिक या किसी भी ऑडियो म्यूजिक प्लेयर में सुन सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉप 5 मोस्ट यूजफुल एंड्रॉइड ऐप का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ऑलरेडी टॉप 6 ऑसम एंड्रॉइड ऐप्स की वीडियो डाली है, आप आई बटन पर जाके देख सकते हो। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि वाकई में वीडियो या ऐप कैसे थे। और बाकी आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि और किस तरीके की ऐप की वीडियो आपको इस चैनल पे देखना पसंद करोगे। चैनल पे नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।